हेलो एवरीवन, दिस इज रितिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा फेवरेट नेचुरल ब्लीच, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, वो भी घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये बिल्कुल नेचुरल है, केमिकल फ्री है और इसके बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये ब्लीच सन टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है, स्किन को फेयर करने में हेल्प करता है। अगर आप इसे वीक में एक बार कर लेंगे ना, तो आपकी स्किन ऑलवेज ब्राइटन एंड ग्लोइंग बनी रहेगी। तो ब्लीच बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। बीट रूट यानी चुकंदर, चुकंदर में होता है विटामिन, मिनरल्स और आयरन। बीट रूट को स्किन पर जब हम लगाते हैं ना, तो इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन हमें मिल जाती है। धूल मिट्टी और गंदगी से स्किन में बनने वाले डेड सेल्स भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। सन टैन तो इंस्टेंट इससे ख़त्म हो जाता है, डार्क सर्कल्स भी धीरे धीरे रिमूव होने लगते हैं। ये मैंने लिया है कच्चा आलू। आलू में होता है विटामिन सी, जो रिंकल्स को खत्म करने में काफी हेल्प करता है। आलू से रंग साफ होता है, स्किन पर अगर डार्क स्पॉट्स हैं तो भी कच्चे आलू की मदद से वो काफी कम होने लगते हैं। ये मैंने लिया है चावल का आटा। ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो आप चावल को मिक्सी में पीस कर भी उसका पाउडर बना सकते हैं। ये मैंने लिया है गेहूं का आटा, जिसकी हम रोटी बनाते हैं ना, ये वो वाला आटा है। अब हमने क्या करना है, आलू और चुकंदर का हमें एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो इसके लिए मैंने लिया है एक मिक्सी का जार। इसमें हम चुकंदर और आलू को डाल देंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बिना पानी के ही ये बहुत अच्छे से एक पेस्ट बन जाएगा। तो पेस्ट हमारा बनकर तैयार है। इसे मैं एक बॉल में निकाल लूंगी। मैंने ये दो लोगों के हिसाब से बनाया था। अगर आपको एक के हिसाब से बनाना है ना, तो आप चुकंदर और आलू की क्वांटिटी उस हिसाब से रखिए, मतलब आलू और चुकंदर आप कम कम यूज करें। मैंने दो लोगों के हिसाब से बनाया है, तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी ली थी। तो अब मुझे जितना चाहिए ना, मैं उतना एक बॉल में निकाल लूंगी। मुझे दो चम्मच चाहिए, तो मैं दो चम्मच एक दूसरे बॉल में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल का आटा। दो चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है और एक चम्मच गेहूं का आटा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये ज्यादा पतला लगे ना, तो आप इसमें चावल का आटा थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे अपने फेस पर किस तरह से अप्लाई करना है। इसे लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर ले, अच्छे फेस वॉश से वॉश कर ले। कोई भी मेकअप, कोई भी गंदगी आपके फेस पर नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे अपने फेस पर लगाएंगे। इसे पूरा ब्लीच को ख़त्म नहीं करना है, पूरे मतलब ब्लीच को अपने फेस पर नहीं लगाना, थोड़ा सा इसे रख देना ताकि हम इसे दोबारा से बाद में लगा पाएं। सबसे पहले तो हमें इसे अच्छे से अपने फेस पर मसाज करनी है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हम अच्छे से मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद जहाँ से उतर जाएगा ना, वहाँ पर हम एक बार फिर से लगा लेंगे। या तो आप इसे पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं दोबारा से एक लेयर, नहीं तो जहाँ जहाँ से उतर जाता है ना, तो वहाँ हमें दोबारा इसे लगाना है। इसे लगाने के 20 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही रखना है। इसके बाद हमें इसे उतारना है, वो मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से उतारना है। मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे रिमूव करेंगे। इसे रिमूव करने के लिए ना, आपको रब करते करते इसे रिमूव करना है। पानी आपको बाद में यूज करना है, पहले आपको हल्के हाथों से इसे रब करते करते इसे सारा उतार लेना है। इसके बाद ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लेना है। वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक जरूर करना। नहीं नहीं लाइक तब करना जब आप ये ब्लीच एक बार ट्राई कर ले, आपको अच्छे से इसके रिजल्ट मिल जाए, उसके बाद ही आप ये वीडियो लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।